25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश भर में आपातकाल लागू किया गया था। इसी दिन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी हर साल 25 जून को आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाती है। बीजेपी के द्वारा प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम में सभी मंत्री, विधायक और बीजेपी के नेतागण शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होकर सभी नेताओं ने आपातकाल की कड़ी निंदा भी की। फिलहाल मामले में सियासत प्रारंभ हो गई है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता भी राजनीति बयान देने से नहीं बच रहे हैं और आपातकाल को लेकर आपात बातें करते दिखाई दे रहे हैं। ये तो वो तो घोषित था और इंदिरा जी में इतनी साहस थी, उन्होंने घोषित किया। गलत था, सही था, इतिहास उसके परीक्षण कर रहे हैं। और लेकिन अभी जो 10 साल की जो सरकार है वो तो अघोषित इमरजेंसी है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी वर्ग हो, यदि सरकार से सवाल पूछे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है। दो दो मुख्यमंत्री जेल भेज दिए। जितने भी 95% जो ईडी की कार्रवाई है विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हुआ है। दूसरी बात यह है कि मीडिया के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई है। कितने लोगों की जाने चली गई, कितने लोगों की नौकरी छूट गया, और 3 काले कानून लाए, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। तो आज जो दिल्ली में बैरिकेटिंग हो रहा, कील गड़ाए जा रहे हैं, किसान के आंदोलन गड़ाए गए, ये क्या बात करते हैं। और अभी चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले लेबल प्ले ग्राउंड की बात कही जाती है, इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन ऐसा देखने मिला क्या? कांग्रेस के आप खाते सीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से जो शिकायतें हो रही है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप धर्म के नाम से वोट नहीं मांग सकते, प्रधानमंत्री खुद मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके निर्वाचन में विपक्ष के नेताओं को होना चाहिए, कोर्ट के होना चाहिए, उसको आप बदल दे रहे हैं। और अभी 1 जुलाई से जो कानून लगने वाला है, सीआरपीसी और आईपीसी में जो परिवर्तन किया गया है, तो और बहुत घातक है। उसमें कोई बहस लोकसभा में नहीं हुआ, और आप देखेंगे एक दिन में 78 सांसद निलंबित है। दुनिया में किसी भी जहां लोकतंत्र है इतने सांसद कभी निलंबित हुए? 150 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए, 147 सांसद निलंबित इन्होंने कर दिया। और अभी आप नीट के एग्जाम के देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, उस चेयरमैन को हटा रहे हैं ना, मंत्री को हटा रहे हैं। तो लोकतंत्र है कहां? और अभी भी लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको विपक्ष को देना चाहिए था लोकसभा उपाध्यक्ष का, आप नहीं दे रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है, ये कह रहे हैं कि वो काला दिवस मना रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछ लो उनकी स्थिति क्या है, वो तो बोल भी नहीं पा रहे। हम लोग तो बोल भी पा रहे, बोल रहे हैं, छपे ना छपे, दिखाओ ना दिखाओ, बोल तो रहे हैं। भाजपा वाले तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, यहां सबकी बोलती बंद है। अब रमन सिंह जी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष है, लेकिन अमर अग्रवाल की स्थिति क्या है, अजय चंद्राकर की स्थिति क्या है, बृजमोहन अग्रवाल को जबरदस्ती वहां भेज दिया गया, लता उसेंडी की स्थिति क्या है, तो जितने और रेणुका सिंह की स्थिति क्या है, बोल पा रहे हैं क्या? कि उधर वसुंधरा राजे बोल पा रही है, और उसके एक जने बोले हैं, अभी देखो उसका क्या होता, शिवराज का लड़का भाषण दिया है कि दिल्ली भी नतमस्तक है, तो पीड़ा तो कहीं कहीं झलक रहा है ना। तो भाजपा वाले बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, मैं उनके दुख समझ रहा हूं, लेकिन अब पड़ा है डंडा कि जाओ काला झंडा लेके जाओ, तो जा रहे हैं बेचारे। लेकिन उसी उनकी स्थिति क्या है, इमरजेंसी से बदतर स्थिति है। आज आपातकाल का काला दिवस भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में मना रही है। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम
इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर 21 महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम न्यायपालिका मीडिया सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। और किस प्रकार से अत्याचार अनाचार इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने किया था, इसकी जानकारी लोगों को हो और दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालयों में आपातकाल का काला दिवस मना रही है। रायगढ़ प्रवास पर जा रहा हूं, इस दौरान अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके चल रही योजनाएं उन सब की समीक्षा करने का काम भी होगा, कुछ स्थानों पर निरीक्षण करने का भी कार्यक्रम है।